कहानी शुरू होती है रेमी नाम के एक आदमी से जो बहुत अच्छा पेंटर था। अपनी बीवी और बच्चों के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन इसने देखा जब वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा था कि वो अपनी कुर्सी के अंदर धंसता जा रहा है, यानी जैसे कोई चीज उसे अपनी तरफ खींच रही हो, मगर वो फौरन से खड़ा तो हो जाता है लेकिन ये अजीब चीज वो काफी देर तक सोचता रहता है। उस दिन के बाद उसके साथ अजीब अजीब चीजें होने लगी, जैसे वो कभी सोफे के अंदर धंसने लगता तो कभी बेड के अंदर, मगर उसको इन सब बातों के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो इस चीज के बारे में काफी ज्यादा सोचता है। एक दिन वो स्टूडियो में जहाँ पर वो पेंटिंग करता था अपने बच्चों के साथ था, उधर वो काम करते हुए पानी का टैप बंद करना भूल गया, जिससे उसका सारा स्टूडियो पानी से भर जाता है। उसकी छोटी सी गलती की वजह से उसका सारा स्टूडियो बर्बाद हो गया था। वहाँ पर जब वो अपनी कुछ पेंटिंग्स को बचाने की कोशिश भी करता है, मगर जैसे ही ये पेंटिंग्स लेने जाता है वो जमीन के अंदर धंसने लगता है। अगर इस बार वो बाहर नहीं आया था बचकर, वो किसी और दूसरी दुनिया के तालाब में पहुंच चुका था, जहां एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन सूरज थे। वहां पर वो कुछ जंगली लोगों को भी देखता है, मगर अगले ही पल उसको कोई पानी से खींच लेता है। अब वो वापस अपनी दुनिया में आ गया था, मगर अब उसको कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। उसको इस बात का तो अंदाजा हो चुका था कि ये कोई उसका वहम नहीं है, बल्कि कुछ तो है जो उसके साथ गलत हो रहा है। वो सब बातें अपनी बीवी को बताता है, मगर वो तो उसकी किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थी। दरअसल रेमी की बीवी अपने बॉस को पसंद करती थी और रेमी को छोड़ना चाहती थी। अब बेचारे रेमी के पास तो कुछ भी नहीं बचा था, न उसका स्टूडियो और न ही उसकी बीवी। उस पर तो जैसे मुसीबतों का हार टूट चुका था। उसकी बीवी तो अपने बॉस को मिलवाने घर पर भी ले आती है। रेमी को कुछ भी समझ नहीं आता, वो तो आराम से उनकी हर बात मान लेता है। वो तो उनसे ये भी कह देता है कि कुछ दिन के बाद मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अब ये बात जब वो अपने घर वालों को बताता है कि उसकी बीवी उसे छोड़ना चाहती है, उनकी मदद चाहिए, मगर वो भी उसकी कोई बात नहीं सुनते और मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं। अब इन सब के बाद जब वो कॉफी बनाने किचन में जाता है तो उसके साथ दोबारा ऐसी अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। उसकी बिल्ली हवा में रुक जाती है, रेमी उसे हिलाता है, मगर उसकी बिल्ली तो जैसे हवा में ही जम गई थी। वो जब अपने आसपास की चीजों को देखता है सब कुछ रुक गया था, जमीन लिक्विड जैसे होने लगी थी और वो अब जमीन में धंसता जा रहा था। अचानक से वो अपने घर से एक जंगल में आ गया था, यानी दूसरी दुनिया में। तभी वो देखता है जंगली लोग जानवर को काट कर पका रहे हैं। वो उनसे मदद मांगता है तो वो तो रेमी को अपना खाना समझ रहे थे, उसके पीछे भागते हैं उसे पकड़ने के लिए, मगर वो किसी न किसी तरह अपनी जान छुड़ाकर भाग जाता है। अब जिसके बाद वो गांव में आ जाता है, वहां पर आकर वो गार गुफा में छुप गया था। तभी अचानक से कोई चीज उसको खींचती है और वो अचानक से आकर दोबारा से अपने घर में गिरता है। सब घर वाले परेशान हो गए थे, सारी चीजें बिखर जाती हैं, मगर कोई भी इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था। वो आपस में ये बातें करते हैं कि रेमी पागल हो गया है, तभी वो बेहोश हो जाता है। अब उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है, मगर डॉक्टर भी उसकी किसी बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब रेमी जब अपने स्टूडियो में जाता है तो वहाँ पर बैंक वाले, कस्टमर्स सब उससे पैसे लेने आए हुए थे, लेकिन अचानक से सब हिलना बोलना बंद कर देते हैं। वो दोबारा से जमीन के अंदर जाने लगा था। वो सबको बुलाता है, देखो मेरी तरफ, मगर कोई भी नहीं बोल रहा था। बोलते भी बेचारे कैसे, सब जम गए थे। अब वो तीसरी बार उस दूसरी दुनिया में पहुंच गया था। वहां पर बहुत सारे जंगली लोग थे जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इसी का इंतजार कर रहे हों। इशारों ही इशारों में इसे उनकी बात समझ आती है कि वो इसे उड़ने का कह रहे हैं। रेमी को ऐसा लग रहा था कि शायद वो उड़ सकता है, वो जोश में उड़ने लगता है, मगर बेचारा नीचे जाकर गिरता है। वो उसको वहाँ पर जबरदस्ती जादुई फल खिला देते हैं। अब उस फल के खाने की वजह से रेमी भी उनकी जुबान को समझने लगा था। अब उस कबीले का सरदार उसे समझाता है कि आखिर वो इनकी दुनिया में आया कैसे।
असल में सब जंगली लोग ज़ोटान नाम के खतरनाक जंगली राक्षस से बहुत परेशान थे। वो किसी को भी उठाता था और मारकर खा जाता था। कबीले के लोगों को अपनी एक पुरानी किताब से ये पता चला कि दूसरे दुनिया का आदमी ही उन्हें इस राक्षस से बचा सकता है, इसीलिए जादू कर वो रेमी को अपनी दुनिया में लाने की कोशिश कर रहे थे। हमें यहाँ पर पता चलता है जो भी रेमी के साथ हो रहा था वो सिर्फ इनके जादू की वजह से हो रहा था, मगर वो इनकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है। इसको मनाने के लिए वो जंगली आदमी इसे उल्टा भी लटका देते हैं, इसे एक जगह पर बंद भी कर देते हैं जहाँ पर ये ज़ोटान को मारने का प्लान सोचेगा। अब वहाँ पर जैसे ही ये तरबूज को उठाता है वापिस से अपनी दुनिया में आ जाता है। इस बार ये किसी को कुछ नहीं बताता क्योंकि ये जान चुका था कि कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। वो लाइब्रेरी जाकर गूगल से भी सर्च करता है मगर कोई फायदा नहीं था, उसे कुछ भी नहीं मिलता। अब ये सबसे तंग आकर ताकत की चीजें लेना शुरू कर देता है कि ये ज़ोटान राक्षस को हरा सके, क्योंकि ये जानता था ऐसे तो कबीले वाले इसे नहीं छोड़ेंगे। अब वो दोबारा से कबीले के जंगली लोगों के पास पहुँच चुका था। वहाँ पर वो लोग उसको तलवार देते हैं और पूछते हैं, कहते हैं हम ज़ोटान से कैसे बचेंगे। वो कहता है तुम्हें अपना गांव बदलना होगा, ऐसा करते हुए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मगर उन लोगों का ये मानना था अगर उन्होंने गांव को छोड़ा तो उन पर बिजली गिर जाएगी और सब लोग मर जाएंगे। रेमी खुद उन्हें पहले गांव से बाहर आकर दिखाता है, उसे कुछ नहीं होता। अब देखते ही देखते सभी कबीले के लोग उसके पीछे चलने लगते हैं। रास्ते में ज़ोटान के दो आदमी उन्हें तंग करते हैं मगर रेमी बहुत ही बहादुरी से उनका मुकाबला करता है और वहाँ पर एक को तो मार भी देता है, जिसके बाद कबीले के सभी लोग अब उसे अपना सरदार मानने लगे थे। वो वापिस से अपनी दुनिया में आकर लड़ाई करने के नए नए तरीके ढूंढने लगा कि कैसे हम अपने दुश्मन को हरा सकते हैं, जिसके बाद वो कबीले वालों के पास जाकर उन्हें भी ये सब बताता है। उनके अंदर एक जज्बा पैदा करता है कि कैसे वो अपने प्यारों की हिफाजत कर सकते हैं, जिसके बाद ये अपनी दुनिया में आकर अपने बेटे के साथ टाइम गुजारता है और फिर दोबारा से दूसरी दुनिया में चला जाता है। तभी वहाँ पर ये देखता है कि वहाँ पर तो जंग छिड़ चुकी थी, ज़ोटान की आर्मी कबीले के लोगों पर भारी पड़ रही थी, उन्हें बुरी तरह मार रही थी। अब ये सभी लोगों को बचा कर एक जगह पर ले आता है और उन्हें अपना प्लान बताता है, जिसके बाद ये ज़ोटान के आदमियों के पास जाकर उनकी बेइज्जती करता है, उन्हें थप्पड़ मारता है और फिर वहाँ से भाग आता है। सब उसका पीछा कर रहे थे। ये अपने कबीले के लोगों को कहता है इन पर हमला कर दो। इसका प्लान कामयाब हो गया था और खुद भागकर एक दरख्त में छुप गया। अब कबीले के लोग ज़ोटान की आर्मी पर तीर बरसा रहे थे, सारी दुश्मन आर्मी मारी जा चुकी थी। अब ये सब कबीले के लोग रेमी के आगे सर झुका लेते हैं, वो अब उनका राजा बन चुका था। रेमी ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गाँव में बहुत कुछ बनवाया, कबीले वाले उसे अपना गॉड समझने लगे थे, उसे यहाँ हर चीज के मजे मिल रहे थे जो मजे बादशाह लिया करते थे। उसके आसपास भी बहुत सारी लड़कियाँ थी। काफी टाइम ऐसे ही गुजर जाता है। अब वक्त के साथ साथ रेमी भी बदल गया था, जहाँ पहले वो एक डरपोक इंसान था मगर अब काफी ना डर और बहादुर हो गया था। वो कबीले वालों के साथ गुलामों जैसा सलूक करने लगा था। पहले तो सब उसके हुक्म को मान रहे थे मगर अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के लोगों ने उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। रेमी ने उनसे बात करने की कोशिश भी की मगर कोई नहीं माना। वहाँ के कुछ लोग अब रेमी को पकड़कर मारने वाले थे, तभी वो जमीन के अंदर धंस जाता है। दोबारा से अपनी दुनिया में आ गया था। रेमी अपना सबक सीख चुका था कि लोगों को ऐसे राजा की जरूरत नहीं होती जो उनके साथ गुलामों जैसा सलूक करे। रेमी वापस अपनी दुनिया में आकर अपने दोस्त से मदद मांगता है ताकि वो दोबारा से पेंटिंग्स को शुरू कर सके। अब उसकी जिंदगी में एक लड़की भी आ गई थी, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मगर जैसे ही ये लड़की पास आती है रेमी एक बार फिर दोबारा से वापस दूसरी दुनिया में आ गया था। वहाँ के कबीले के लोग इसको बताते हैं अभी तुमने ज़ोटान को मारना है, जिसके बाद ही सब कुछ खत्म होगा। हालांकि रेमी इन सब में अब पढ़ना नहीं चाहता था मगर वो लोग जबरदस्ती इसको ज़ोटान की गुफा में फेंक देते हैं। लड़ाई करते हुए रेमी को डर तो लग रहा था मगर ऐसे ही वो अपना हथियार उठाकर हवा में फेंकता है और सीधा वो ज़ोटान को जाकर लगता है। ज़ोटान राक्षस अब मर चुका था, सब उसे देखकर बहुत खुश थे। अब
कबीले के लोगों की आखिरी रस्म भी बाकी थी। इन लोगों ने रैमी को मारकर खाना था। उसे जब ये पता चलता है तो वो तो डर कर भागता है, मगर वो आदमी जिसने जादू कर रैमी को इस दुनिया में बुलाया था, वो अपनी एक चीज को आग में फेंक देता है, जिससे रैमी कभी भी अपनी दुनिया में नहीं जा पाएगा। कबीले के सब लोग उसे पकड़ लेते हैं और मारने ही वाले थे, तभी कुछ लोग उस जलती हुई चीज को उठाकर पानी में फेंक देते हैं, जिससे रैमी बच जाता है। अब वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया था, जहां पर उसकी बीवी और वो लड़की भी थी जो उसे पसंद करती थी। जब उस लड़की को पता चलता है कि उसकी बीवी के साथ इसका डाइवोर्स अभी तक नहीं हुआ, तो वो उसे छोड़कर वहां से चली जाती है। इसकी बीवी को भी अब ये एहसास हो गया था कि उसने जो भी किया वो उसकी बहुत बड़ी गलती थी। वो रैमी से माफी मांगती है। उधर दूसरी दुनिया में जंगली लोगों ने रैमी का स्टैचू बनाकर हमेशा के लिए उसे याद रखा था। मूवी के आखिर में रैमी अपनी बीवी और बच्चों के साथ समंदर के किनारे था। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो चुका था, सब लोग बहुत खुश थे, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर